सभी लोगों का हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास मारुति कंपनी SS4 गाड़ी आई हुई है। इसमें कस्टमर जी का कंप्लेन क्या है कि जब गाड़ी रनिंग करते समय जब गियर डालते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड गियर अटक के गिरता है। तो हम तो सबसे पहले इसका केबल ओबल जो भी हमने चेक किया तो केबलों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसका क्लच ओपन करेंगे, क्लच ओपन करके इसका जो प्रेशर प्लेट का फिंगर आता है उसका टेंशन चेक करेंगे कि हार्ड है कि नरम है। अगर वो ओके रहेगा तो इसका फ्लाईव्हील जो आता है उसको कटिंग कराएंगे लेथ पे, और कटिंग करा के और उसके बाद फिट करके एक बार चेक करेंगे कि हमारे जो गियर हार्ड का प्रॉब्लम है सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका गियर बॉक्स ओपन करने जा रहे हैं। गियर बॉक्स ओपन करके फिर आपको फ्लाईव्हील का कंडीशन दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम इसका गियर बॉक्स ओपन करना चालू किए हैं। देखिए ऊपर से जो भी आता है बैटरी वैटरी ट्रे वे हमने सब ओपन कर दिया है। इसका दोनों साइड से व्हील भी ओपन कर दिया है। तो ये गाड़ी फ्रेंड क्या हुआ है, किसी और गैरेज पे गई थी, वहाँ इसका काम किया गया है। तो इसका जो क्लच मास्टर सिलेंडर आता है वो भी रिप्लेस किया गया है, तो भी जो गियर अटकने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। देखिए आप इसका क्लच मास्टर सिलेंडर देख सकते हैं, एकदम नया है। ये देखिए कहीं ये चेंज करके आए हैं तो भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम इसको प्रॉपर चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फ्रेंड कैसा है ये जगह पे भी गियर अटकता है। तो इसके लिए सिंक्रोमाइजर रिंग का इसका प्रॉब्लम नहीं है। सिंक्रोमाइजर रिंग का अगर प्रॉब्लम रहता तो क्या रहता है, जब हम रनिंग करते हैं गाड़ी और जब गियर डालते हैं तो कर ऐसा आवाज़ आता है उसमें। ये क्या है, जगह पे आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए नहीं कीजिए जगह पे ही ऐसा अटक रहा है गियर। तो हम इसको प्रॉपर से चेक करेंगे और जो कंप्लेन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका हमने पूरा राउंडिंग ओपन कर दिया है। ये देखिए राइट साइड का हमने एक्सल भी ओपन कर दिया। देखिए ये देखिए पप्पो हमने कैंची से बाहर निकाल दिया है। ये देख सकते हैं ये लिंकेज विंकेज भी हमने ओपन कर दिया लेफ्ट साइड से पूरा। ये लेफ्ट साइड का हमारा सस्पेंशन का जो भी पार्ट आता है गियर ओपन करने के लिए वो हमने ओपन कर दिया है। राउंडिंग भी ओपन कर दिया है। इसका गियर का जो फाउंडेशन आता है ये माउंट का बोल्ट खोल रहे हैं, माउंट का बोल्ट खोल के नीचे लेके फिर गियर बॉक्स बाहर लेके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा राइट साइड का भी पूरा ओपन हो चुका है। ये राइट साइड का भी हमने ओपन कर दिया। देखिए एक्सल नीचे पड़ा हुआ है। ये देखिए कैंची से भी हमारा निकल उकल सब बाहर हो गया है। लिंकेज भी हमने ओपन कर दिया है। तो हम इसका गियर बॉक्स अभी नीचे ले रहे हैं। तो हमने गियर का माउंट भी बाहर निकाल लिया है। तो अब हम गियर बॉक्स नीचे लेंगे और नीचे लेके उसका क्लच चेक करेंगे पहले, क्लच का कंडीशन क्या है। अंसारी पकड़ो। आराम से बचा के हाथ वाथ बचा लेना। गियर बॉक्स बाहर ले लो। घुमाओ जरा। तो देख सकते हैं आप लोग ऑलरेडी इसका लगता है क्लच बेयरिंग भी नया डाला हो गया है। ये देखिए तो इसका क्लच का काम हुआ है। तो हम एक बार क्लच भी खोल के देख चेक कर लेते हैं कि क्लच प्लेट भी इसमें रिप्लेस किया गया है क्या, क्योंकि ये दूसरे गैरेज से गाड़ी हमारे पास आई हुई है। क्योंकि ये दूसरे गैरेज पे गया था तो वहाँ भी ये गियर शिफ्टिंग का जो प्रॉब्लम था सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो हमारे पास आई, हम चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। क्लच हम ओपन कर रहे हैं, क्लच ओपन करके फिर चेक करते हैं। क्लच भी तो हमें नया ही दिख रहा है, फिर भी एक बार खोल के ओपन करके चेक कर लेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं हमारा क्लच भी अच्छा है। देखिए बहुत रिपीट बाकी है, देखिए कितना खड्डा है रिपीट में। ये देखिए तो हमारा क्लच भी अच्छा है। प्रेशर प्लेट थोड़ा स्लिप जैसा दिख रहा है तो इसको पेपर मारकर हम पूरी तरह से एकदम क्लीन करके लेंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ थोड़ा हीट हो गया है, क्योंकि इसको कटिंग नहीं कर सकते हैं प्रेशर प्लेट को, इसका हम प्रेशर प्लेट का फिंगर चेक करते थे। दबाइए इसको। प्रेशर प्लेट थोड़ा हमारा हार्ड दिख रहा है तो हम इसको देखते हैं
क्या करना है, कस्टमर जी से बात करेंगे, अगर रिप्लेस करने के लिए बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या करेंगे, एक दिन के लिए पूरा डीजल में भिगो के रख देंगे। डीजल में भिगो के रख देंगे तो इसका क्या रहेगा, फिंगर थोड़ा नरम हो जाएगा तो जो हार्ड है वो सॉल्व हो जाएगा। इसका हम फ्लाईव्हील चेक करते हैं। सिर्फ द फ्रेंड, फ्लाईव्हील पे भी पूरा दाग 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 है, तो हम इसका एक काम करेंगे, इसका फ्लाईव्हील कटिंग करके लेते हैं, और फ्लाईव्हील कटिंग करके और यही क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को फिट करके और एक बार चेक करेंगे तो जो हमारा गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, इसका फ्लाईव्हील ओपन कर दीजिए। फ्लाईव्हील ओपन कर रहे हैं, फ्लाईव्हील ओपन करके और इसको लेथ मशीन पे दे देंगे कटिंग के लिए। ये हमने इसका फ्लाईव्हील बाहर ले लिया है, अब इसको लेथ मशीन पे कटिंग के लिए दे देते हैं। देख सकते हैं पूरा हीट हो गया है। हम इसका फ्लाईव्हील कटिंग करके लेके आ गए हैं लेथ पे से, अब इसको फिटिंग करना चालू कर रहे हैं। देखिए जितना भी इसका हार्ड मेटल है ऊपर से पूरा हमने कटिंग कर दिया है। टाइट करो बोल्ट। अब इसके जितना भी हमने बोल्ट ओपन किए हैं उसको टाइट कर रहे हैं। देखिए टोटल 8 बोल्ट आते हैं इसमें 14 नंबर के, तो इसको हम फाइनल टाइट कर लेते हैं। फाइनल टाइट करके फिर क्लच फिट करके फिर गियर चढ़ा कर फिर फाइनल करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, हमने इसका गेयरबॉक्स भी चढ़ा दिया है, देखिए अब राउंडिंग का बोल्ट टाइट कर रहे हैं। हमने इसका फ्लाईव्हील कटिंग करके और जूने क्लच को थोड़ा 8-9 घंटा में डीजल में डुबो के रखा था। जूना जो इसका प्रेशर प्लेट आता है, क्योंकि प्रेशर प्लेट को डीजल में डुबो के रखने से उसका फिंगर जो है थोड़ा नरम हो जाता है, तो हमने इसका प्रेशर प्लेट भी थोड़ा रखा था 6-7 घंटा डीजल में डुबो के। फिर साफ़ करके हमने इसका क्लच और फ्लाईव्हील कटिंग करके लगाया है। देखिए हमारा गेयरबॉक्स भी चढ़ गया है, इसका राउंडिंग का बोल्ट फंसा रहे हैं। राउंडिंग का बोल्ट फंसा कर और पूरा फाइनल करके फिर स्टार्ट करके हम चेक करते हैं कि हमारा गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व होता है कि नहीं। ये हमारा गियर माउंटिंग अभी फंस रहा है, ये देखिए इसका गियर माउंटिंग है, इसका नीचे का बोल्ट फंसा के मेरा जी टाइट कर रहे हैं। राउंडिंग का बोल्ट फाइनल टाइट हो चुका है पूरा, जितना भी राउंडिंग आता है इसका गियर माउंटिंग का बोल्ट टाइट कर रहे हैं। इसका गियर माउंटिंग का बोल्ट फाइनल टाइट करके फिर इसके बाद से इसका जो भी एक्सल एक्सल हमने ओपन किया है ये सारे चीज़ें फिट कर देंगे। ऊपर बैटरी का ट्रे व्रे खोला है, बैटरी खोला है, वो सब भी फिट कर देंगे। स्टार्टर हमारा राउंडिंग वाउंडिंग सब टाइट हो चुका है, गियर माउंटिंग का बोल्ट खाली टाइट करना बाकी है। देखिए गियर माउंटिंग का बोल्ट टाइट हो रहा है, तो ये फाइनल करके इसका गियर का जो केबल आता है शिफ्टर केबल ये भी हम लगा लेंगे। देखिए इधर गियर शिफ्टर केबल इधर निकाल के रखा गया है, ये देखिए इसको भी लगा कर फिर बैटरी का ट्रे लगा कर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा गियर शिफ्टिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है कि नहीं हो गया है। ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ऊपर से पूरा फाइनल हो चुका है, इसका बैटरी वैटरी एसी में एसीएम जो भी हमने ट्रे वे जो भी ओपन किया था देख सकते हैं सब फाइनल हो चुका है। सिर्फ इसका एयर ब्लीडिंग बाकी है, एयर ब्लीडिंग निकालना है, तो हम इसका एयर ब्लीडिंग निकालेंगे और जो भी हमने साइड से सस्पेंशन ओपन किए थे वो भी पूरा फिट हो रहा है। देखिए ये पूरा फाइनल हो चुका है हमारा लेफ्ट साइड का, राइट साइड का भी फिटिंग करना बाकी है, तो राइट साइड का भी हम फिट कर लेते हैं। राइट साइड का भी फिट करने के बाद और उसके बाद एयर ब्लीडिंग करेंगे, एयर ब्लीडिंग करके और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके और हम चेक कर लेते हैं गियर शिफ्टिंग करके। हमारा ऊपर से पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, इसका सस्पेंशन भी जो है पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। देख सकते हैं राइट साइड का हमने इसका एक्सल एक्सल सब ओपन किया था गियरबॉक्स ओपन करने के लिए, वो भी राइट साइड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट साइड का भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये देखिए एक्सल भी इसका हमने लॉक कर दिया है फाइनली टाइट करके, सिर्फ इसमें गियर ऑयल डालना बाकी है, तो इसमें हम गियर ऑयल डाल के ले रहे हैं और गियर ऑयल डालने के बाद फिर इसका एयर ब्लीडिंग करेंगे और एयर ब्लीडिंग करके फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी का पहले से काम हुआ है इसके लिए हम इसमें जूना ही गियर ऑयल डाल रहे हैं जो गाड़ी का है, क्योंकि इसमें गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम था इसके लिए हमने इसका ओपन करके गियर और इसका फ्लाईव्हील कटिंग करके और इसमें फिट किया है गाड़ी में।
क्योंकि फ्लाईव्हील में हमें प्रॉब्लम लग रहा था करके, इसके लिए हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। क्लच व्लच भी इसका जूना ही है, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट वो, क्योंकि इससे पहले जहाँ काम हुआ है वहाँ उन्होंने डाला हुआ है क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट, क्लच बेयरिंग और क्लच मास्टर सिलेंडर सारी चीज़ें इसमें चेंज किए गए हैं, तो इसके लिए हमने वो सब चेंज नहीं किया है। देखिए इसका क्लच मास्टर सिलेंडर भी नया डाला गया है, ठीक है। तो अब इसमें हम गियर ऑयल डाल लेते हैं, गियर ऑयल डालकर और इसका एयर का ब्लीडिंग करते हैं, एयर ब्लीडिंग करके फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हमारा गियर ऑयल डालकर भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका एयर ब्लीडिंग करने जा रहे हैं। देखिए हमारा गियर ऑयल का जो ड्रेन नट है पॉप अप करने वाला, उसे टाइट कर रहे हैं। हमारा इसमें गियर ऑयल डालकर हो गया है, ये टाइट करने के बाद फिर इसका एयर ब्लीडिंग करते हैं। ब्रेक ऑयल का जो क्लच का जो एयर ब्लीडिंग रहता है वो ब्रेक ऑयल पूरा टॉप अप कर दिया। देखिए ऑयल के कंटेनर में हमने ब्रेक ऑयल पूरी तरह से भर दिया है, अब हम इसका एयर ब्लीडिंग करने जा रहे हैं। एयर ब्लीडिंग करने के लिए देखिए आपको यहाँ से ये जो निप्पल है ये 10 का, इसको ओपन करना पड़ेगा आपको। एक नट लूज करके और कभी भी आप छोड़ दीजिएगा 5-10 मिनट के लिए, जब इधर से अपने आप ब्रेक ऑयल एकदम कंटिन्यू आने लगेगा तब लॉक करके उसके बाद पंप कीजिएगा, तो आपका एयर ब्लीडिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं तो खोल कर आप पंप करेंगे खोलेंगे ऐसा तो जल्दी आएगा नहीं। बस आप कभी भी इसको फिक्स पाने से पकड़ कर और उसके बाद ही इसका निप्पल लूज कीजिएगा, नहीं तो आपका जो सिलेंडर है वो टूट सकता है। और थोड़ा लूज करो, लूज करके छोड़ दो, अपने आप आने दो। देख सकते हो फ्रेंड ये अपने आप देखिए ब्रेक ऑयल आ रहा है, जब ये कंटिन्यू स्पीड में आने लगेगा एक रफ्तार में तो इसे लॉक कर दीजिएगा। लॉक करके फिर पंप करके अंदर से क्लच का पेडल फिर एयर लगा लिएगा, अभी ये कंटिन्यू आना चाहिए। हाँ दबा के रखो, आप पंप करो। फ्रेंड ये हमारा एयर ब्लीडिंग भी हो चुका है क्लच का, तो अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके और फिर गियर चेक करते हैं हमारा गियर शिफ्टिंग में जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं हमने इसका एयर ब्लीडिंग भी कर दिया है क्लच का, हमारा गाड़ी भी पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। देखिए हमने डाउन भी कर दिया है, टायर और व्हील व्हील सब लगा दिया है, ठीक है। तो अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके थोड़ा इधर ही नॉर्मल गियर डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गियर अटकने का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो हमने ये गाड़ी स्टार्ट किया है, देखिए पहले क्या प्रॉब्लम था, जब कस्टमर जी गेट डालते थे तो जब ऐसा गेट डालेंगे तो कर्र करके आवाज़ आता। देखिए हम फर्स्ट ये देखिए सेकंड गेयर, ये देखिए थर्ड गेयर, ये देखिए फोर्थ गेयर, ये देखिए एकदम आराम से गिर रहा है। देखिए ये देखिए पहले क्या होता था जब गेट डालते थे, ये देखिए वैसा कर्र कर करके आवाज़ आता था। देखिए ये देखिए, ये देखिए फर्स्ट गेयर, सेकेंड गेयर, ये थर्ड गेयर, ये फोर्थ गेयर, जब डालते थे तो कर्र करके ऐसा आवाज़ आता था, बहुत हार्ड आता था, ऐसा लगता था ये देखिए अटक नहीं रहा है। ये देखिए भाई आपके सामने है, चाहिए तो हम आपको गाड़ी उठाकर भी दिखाते। देखिए ये देखिए फर्स्ट गियर में हमने डाला है, देखिए ये देखिए सेकेंड गियर, ये देखिए थर्ड गियर, ये देखिए फोर्थ गियर, ये देखिए थर्ड गियर, तो हम अब इसका एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं और छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेने के बाद फिर हम गाड़ी को वॉश करके पूरी तरह से क्लीन करके अच्छे से फिर कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। इसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे गाड़ी, तो देख सकते हैं फ्रेंड इधर गियर का, ये देखिए थर्ड गियर, ये देखिए फोर्थ गियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए फिफ्थ गियर। देखिए फ्रेंड पहले क्या होता था जब ऐसा गियर डालते थे तो कर्र करके आवाज आता, देखिए हम थर्ड डालेंगे कर्र करके आवाज आता था। ये देखिए फोर्थ गियर आपके हाथ सामने डाल रहे हैं, ये देखिए एकदम मक्खन जैसा गिर रहा है। देखिए ये देखिए तो हमने आपको सारे गियर डाल के दिखा दिए हैं, देख लीजिए
सारे गियर हमारे मक्खन जैसा गिर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका टेस्ट ड्राइव लेकर आ गए हैं आपके सामने, हमने इसका टेस्ट ड्राइव लेके दिखाया, गियर भी डाल के सब दिखाया। तो अब इसके गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गियर शिफ्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड, हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, हमने आपको दिखाया था, इसका सिर्फ फ्लाईव्हील कटिंग किया है और इसका जो प्रेशर प्लेट आता है उसे हमने क्या किया था, 6-7 घंटे के लिए डीजल में पूरा ट्रे लेके उसको भिगो के रख दिया था। ये भिगो के रखने से क्या होता है फ्रेंड, जो प्रेशर प्लेट का फिंगर आता है ना, वो थोड़ा नरम हो जाता है, आपका जो क्लच है ना पूरा वर्क करता है, तो आपका गियर अटकने में मतलब प्रॉब्लम नहीं देता है, आपका गियर एकदम आराम से फ्री घूमेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज का हमारा वीडियो था कि अगर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा गियर शिफ्टिंग में तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो हमने इस वीडियो में दिखाया है। तो सबसे पहले आप उसको ट्राई कीजिएगा, अगर आपका गियर खोलते हैं क्लच आपका ख़राब रहेगा तो आप रिप्लेस कर दीजिएगा, लेकिन हमने गियर खोला तो इसका क्लच भी अच्छा था, क्लच बेयरिंग भी अच्छा था, क्लच मास्टर सिलेंडर भी अच्छा था, तो इसके हमने चेक किया कि भाई क्या करने से ये गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। तो जो हमसे हो सका था हमने वो किया और इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है। तो अगर आप लोग को भी ऐसा कभी प्रॉब्लम आता रहेगा तो आप लोग भी यही कीजिएगा जिस तरह से हमने प्रोसेस किया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का हमारा वीडियो था, अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।